अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फलक तलक। और मैं हूँ इकरा मलिक। और आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे वो है SL बेसिक्स, जो ब्रांड है शायस्ता लोधी का, उसके प्रोडक्ट के बारे में जो कि मेरे पास आज मौजूद है वो है इनकी सैफ्रन क्रीम। और ये फर्स्ट टाइम मैंने इसको इनके इंस्टाग्राम पेज पर ही देखा था और इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे, तो मैंने सोचा कि मैं इसको बाय करके यूज़ करके देन आपको बताती हूँ कि बाय करनी चाहिए या नहीं बाय करनी चाहिए। सो सबसे पहले आते हैं इसकी पैकेजिंग की तरफ। पैकेजिंग कुछ इस तरह से है इसकी, अंडर सा इसका बॉक्स है, बहुत अच्छी पैकेजिंग है और इसे देखने में लगेगा आपको कि अंदर जो जार है वो काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन इसमें एक सरप्राइज ये है कि जार इसका इतना बड़ा नहीं था। सो लेट्स ओपन इट। सो जैसे कि मैंने कहा कि ऐसे लगता है कि बहुत बड़ी इसमें जार है, लेकिन ये इस तरह से कुछ इसकी पैकेजिंग है और एक छोटी सी जार में ये ग्लास का जार है एक। सो ये है इनकी इनर पैकेजिंग। ये ग्लास का बिल्कुल जार है और इस पे जो लिड है वो थोड़ा सा मेटल टाइप है और ये इसके अंदर इसकी सील पैकेजिंग है। सो इसको ओपन करते हैं तो ये है इसकी क्रीम। स्मेल है वो इतनी कोई अच्छी नहीं है और इतनी कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि इनमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो इनके ऑर्गेनिक होते हैं और इसमें जितने भी इनके प्रोडक्ट्स हैं आप उनकी देख लें तो इतनी कोई ख़ास फ्रेग्रेंस नहीं होती है। इनकी जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की फ्रेग्रेंस होती है ये ऑलमोस्ट वैसे ही होती है। सो सबसे पहले इसका रिव्यू करते हैं। सो इसमें जो मेंशन है वो सैफ्रन ग्लो क्रीम शाइन ब्राइट लाइक अ डायमंड। सो जो क्लेम करते हैं कि ये आपकी जो स्किन है वो एक ब्राइटनिंग नाइट क्रीम है ये, और आपका जो स्किन है वो उसको डल होती है उसको ठीक करता है, जो टेक्सचर है उसको अनइवन है तो उसको इवन कर देता है, और जो आपकी स्किन है वो स्मूथ ग्लोइंग और एक हल्का सा जो यू नो जो बच्चों की बेबी स्किन और ये जो प्लम्प होता है ऐसा कर देती है। सो शाइन लाइक अ डायमंड क्रीम है। जो इनकी बेस्ट सेलिंग क्रीम है वो ये है स्किन लाइटिंग करने के लिए, क्योंकि ये ऐसे मेंशन नहीं करते हैं कि स्किन वाइटनिंग करने के लिए क्या है, तो ये एक नई टर्म यूज़ होती है स्किन लाइटन करने के लिए, यानी कि इवन टोन करने के लिए हमारी स्किन को। सो जितने भी एक अब जितने भी हमें जितनी अवेयरनेस आती जा रही है तो हम वाइटनिंग की तरफ जाते ही नहीं है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि हमारी स्किन जो है वो कम्प्लेक्शन है जो वो इवन हो जाए, ब्राइटन हो जाए और जो स्किन है वो हेल्दी लगे, मुरझाई सी ना लगे। सो ये कुछ इस तरह से ही है। सो अब मैं बताती हूँ कि ये जैसे इन्होंने मेंशन किया है वैसा है या नहीं है। अब मैं चेक करवाती हूँ आपको इसका टेक्सचर। जो इसका कलर है वो सैफ्रन का है, तो इसमें हल्का सा गोल्ड सा टच देना था तो वैसे ही येलो से कलर का इसका जो कलर है वो है, और इसका जो टेक्सचर है वो कुछ इस तरह से है, काफ़ी थिक ये। और जैसे ही आप इसको फेस पर चंद सेकंड्स के लिए अप्लाई करते हैं, और ये अभी क्योंकि मौसम वैसा हो रहा है तो आपके फेस पे जल्दी से पसीना आना शुरू हो जाता है, मतलब मेरे फेस पे जब इसको अप्लाई करती हूँ तो मेरे ये वाली साइड्स पे, जैसे कि मैंने अभी इसको अप्लाई किया हुआ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हल्का सा मुझे पसीना आना शुरू हो जाएगा। सो ये इसका इतना कोई थिक टेक्सचर है, इतना कोई थिक टेक्सचर है ये इस तरह से। लेकिन मैंने इसको बिल्कुल पी साइज़ लेके, बिल्कुल थोड़ा सी अमाउंट पे लेके, क्योंकि इसका रिव्यू करना था और सबसे बड़ी बात कि मैंने यहाँ पैसे खर्च कर लिए हुए थे। सो इसके रिव्यूज़ तो अच्छे हैं लेकिन ये टेक्सचर इसका बहुत ज़्यादा थिक है। अगर तो आपकी ऑयली स्किन है तो आपको देख कर घबराहट होने लग जाएगी कि मैं इसको फेस पर अप्लाई करूँ या नहीं अप्लाई करूँ, क्योंकि ऑयली स्किन ज़्यादातर तो या तो वाटर बेस्ड क्रीम यूज़ करते हैं या फिर जो ऑयल कंट्रोल होती है वो यूज़ करते हैं। सो मेरा नहीं ख्याल कि ये ऑयल कंट्रोल करता है। सो ये इस तरह से इसका कुछ टेक्सचर है, लेकिन जब इसको फेस पर अप्लाई करती हूँ और थोड़ा सा लगता है कि आपने फेस पर कुछ अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि ये नाइट क्रीम के तौर पर काम करती है और जितने भी नाइट क्रीम्स आप देखें मार्केट में वो हैं, जब आप उसको फेस पर लगाते हैं वो थोड़ी सी आपके फेस पर जैसे प्रोमिनेंट होती है कि आपने फेस पर कुछ अप्लाई किया हुआ है कलर को नीट करने के लिए स्किन को या फिर रंग को साफ करने के लिए, तो ये कुछ उस तरह से ही है। लेकिन ये थोड़ी देर बाद इसका जो टेक्सचर है वो अगर आप इसको अच्छी तरह से स्किन में एब्जॉर्ब करते हैं इसको फेस को वॉश करने के बाद, तो ये अच्छी तरह से पेनिट्रेट होकर स्किन में, तो उस तरह से थोड़ा सा इसका जो क्रीमी टेक्सचर है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो ये जो इन्होंने क्लेम किया हुआ है कि आपकी स्किन जो जो अनइवन है उसको इवन करती है कि नहीं करती है, पिगमेंटेशन को ऐसे चीज इतनी जल्दी नहीं ख़त्म करती है, लेकिन स्किन को इस तरह से है कि इवन कर देती है।
आपकी जो स्किन है लाइक अगर थोड़ी सी डल है तो उस सूरत में इवन कर देती है, लेकिन जो अगर आप कहें कि मेरी स्किन पे पिगमेंटेशन है इस एरिया में ज़्यादातर होती है या फिर यहाँ पे थोड़ी सी अगर आपकी इवन टेक्सचर नहीं है तो वो ज़रा मुश्किल हो जाएगा कहना कि ये इतनी बड़ी जो फ्रेकल्स है आपके फेस पर उसको रिमूव कर देगी। ऐसा सच बिल्कुल भी नहीं हुआ। अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन है तो ये सिर्फ आप सिर्फ उस एरिया में यूज़ करें और देन हो सकता है, क्योंकि अगर आप अपने पूरे फेस पर अप्लाई करते हैं तो जो पूरा फेस जो होता है वो नीट हो जाता है, तो फिर जो पिगमेंटेशन होती है वो और प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती है। सो सबसे पहले तो जो आपकी स्किन पर अगर कोई मार्क्स हैं या फिर अगर आपकी स्किन पर कोई पिगमेंटेशन है, अगर आप कोई चीज़ अप्लाई करें तो सिर्फ 1 वीक के लिए या 1.5 वीक के लिए आप सिर्फ उस एरिया पर अप्लाई करें, देन आप पूरे फेस पर उसको अप्लाई करना शुरू करें। क्योंकि अगर आपका फेस नीट हो जाएगा तो वो जो एरिया डार्क है थोड़ा सा पिगमेंटेड है वो ज़रा और प्रोमिनेंट लगेगा। नहीं आता है या लाइक हम मैक्स डिफ यूज़ करते हैं, ग्लूटामैक्स यूज़ करते हैं, एवनटोन सी यूज़ करते हैं। सो अगर मैं ये कहूँ कि उसके अल्टरनेट पर अगर आप कोई क्रीम यूज़ करना चाहते हैं तो ये आप एसएल बेसिक्स की जो ये वाली क्रीम है ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके भी रिजल्ट्स तकरीबन तो इसके भी जो रिजल्ट हैं तकरीबन उनके जैसे ही हैं कि आपको फौरी तौर पर रिजल्ट नहीं मिलेगा कि आपको लगे कि आपको हफ्ते के अंदर अंदर कोई रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन इतना हो जाता है कि आपकी स्किन जो है वो नीट लगना शुरू हो जाती है, हेल्दी लगना शुरू हो जाती है और उस तरह से आपको फील होता है कि आप अपनी स्किन पर लाइक कुछ अप्लाई कर रहे हैं। तो ये अगर आप उन क्रीम्स के अल्टरनेट पर यूज़ करना चाहें तो आप ये एसएल बेसिक्स की सैफ्रन क्रीम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इतना डाउट है कि ऑयली स्किन पर एज सच ये स्टेबल वैसे होगी या नहीं होगी और वो इस तरह से यूज़ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब मौसम इस तरह से है तो अगर आप ऑयली क्रीम वाले रात को ये यूज़ करें और देन फिर उनको सुबह जो ये टी जोन है हमारा उस पर ज़्यादा ऑयल महसूस होगा, उस पर ज़्यादा पसीना आए, तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है अगर आप ग्लूटामैक्स ये वो सब यूज़ कर चुके हैं और आपको लगता है कि उसके अल्टरनेट पर कोई और क्रीम चाहिए या उससे थोड़ा सा आपको रिजल्ट अच्छा मिल सके तो ये आप सैफ्रन की क्रीम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि ये बहुत अच्छी है और आपको 2 दिन में कोरा कर देगी और आपके जो पिगमेंटेशन हैं उसको रिमूव कर देगी, लाइक जैसे कि इन्होंने मैंशन किया शाइन ब्राइट लाइक अ डायमंड, तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन बहरहाल एक अच्छी नाइट क्रीम है, अफोर्डेबल है और मेडिकेटेड नहीं कह सकती लेकिन ऑर्गेनिक है, सैफ्रन क्रीम है तो उसके इंग्रेडिएंट्स है तो आपकी स्किन को थोड़ा सा लाइटन कर देता है, इवन टोन कर देता है स्किन को, लेकिन उसके लिए इसको आपको 20 to 25 days तक इसको यूज़ करना लाजमी है। तो मेरा था आज का इसका रिव्यू, इसकी जो प्राइस है वो है 1700 rupees। सो उसके लिए आपको इसको 20 to 25 days तक इसको यूज़ करना लाजमी है, देन ही आपको आपके रिजल्ट्स जो हैं वो शो होना शुरू होंगे। सब बता दूँ अगर आपकी स्किन के टेक्सचर जो अनइवन है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये आपको रिजल्ट देगी, और अगर आपके स्किन पे पिगमेंटेटेड एरिया है तो आप सिर्फ उस पर अप्लाई करें और पूरे फेस पर इसको चंद हफ्तों बाद अप्लाई करना शुरू करें। और अगर आप किसी अच्छी नाइट क्रीम को देख रहे हैं और आप जो मेडिकेटेड क्रीम है उनसे थोड़ा सा हटकर यूज़ करना चाहते हैं तो देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ वो यूज़ कर रहे हैं और अगर वो आपको अच्छा रिजल्ट दे रही है देन इस पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, तो आप जो इसका रिजल्ट है इसका रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम है आपको। सो ये मेरा था आज का रिव्यू। सो आपने हमारा चैनल जो है वो लास्ट में सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। अल्लाह हाफिज़।